सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होगी। आप देख सकते हो गाइस, ये वाला ट्रेंड इंस्टाग्राम रील पे कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे कई भाई के मैसेज आए थे कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस, आपको नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके गाइस, यहाँ से आपको एक वीडियो ले लेनी। ये वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ से गाइस आपको ब्लैक वाला वाटरमार्क डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आ जाना है। यहाँ से गाइस, आपको इस वीडियो का म्यूज़िक बंद कर देना है क्योंकि हम इसमें म्यूज़िक ऐड करेंगे। फिर गाइस, आपको यहाँ से म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, म्यूज़िक पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको ऊपर साइड में प्लस पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना है। जो वीडियो गाइस आपने फर्स्ट में लगाए हैं ना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपको उसी वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर ओके करना है। जब आप ओके करोगे, आपका म्यूज़िक यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। आपको गाइस यहाँ से म्यूज़िक ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से गाइस आपको म्यूज़िक पर क्लिक करना है, बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये 6 बीट लगा लेनी है। 6 बीट लगा लोगे, आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। कैसे बनेगी वो आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस, आप ये बीट लगा लेना। बीट कैसे लगाओगे, जितने टाइम पर मैंने बीट लगाई है ना, आपको उतने टाइम पर रोक कर, यहाँ पर देखिए साइड में ये टाइम आ रहा है, आपको फ्लैग कर देना आपके बीट लग जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली बीट लगाई है 0.15 पर, यहाँ से मैंने सेकेंड बीट लगाई है 4.81 पर, थर्ड बीट 5.50 पर, फोर बीट 6.11 पर, फाइव बीट 6.90 पर, सिक्स बीट 7.48 पर। ये आपको 6 बीट लगा के 2 बार राइट कर देना है। अभी गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले गाइस, आपको फर्स्ट वाली बीट पे टच करना है, नीचे वीडियो को स्प्लिट करना है, और ये फर्स्ट वाली वीडियो पर आने के बाद ना बारीक सी आपको दिख रही होगी, आपको इसे डिलीट कर देना है। क्योंकि जिस बंदे ने वीडियो डाली थी उसका मतलब उसके चैनल का नेम वगैरह आ रहा है, ठीक है, उसकी आईडी का, आपको डिलीट कर देना है। फिर गाइस, आपको अपने म्यूज़िक को भी छोटा करना है। म्यूज़िक को छोटा कैसे करना है गाइस, आपको फर्स्ट ने इस तरीके से बीट तक लाना है। इस तरीके बीट पर लाओगे ना आप, बीट पर, तो आपको बीट तक लाना है। इस तरीके से आपको अपना म्यूज़िक को शुरू में रख देना है, इस तरीके से शुरू में कर देना है, ठीक है। अभी गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से गाइस आपको आगे चलना है। यहाँ से गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट पे टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है, सेकंड बीट पे टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है। यानी कि गाइस आपने जितनी इसमें बीट लगाई है ना, आपको हर एक बीट पर टच करके वीडियो को स्प्लिट कर देना है। अब क्या करना है गाइस, आपको लास्ट वाली आपका फ़ोटो जो रहेगा आपके म्यूज़िक से बड़ा रहेगा, आपको इसे म्यूज़िक तक ला कर देना है। अभी गाइस आपको क्या करना है गाइस, देखिए आपको ये वाली वीडियो का कुछ नहीं करना है, आपको ये वाली वीडियो लगे रहने देना है, आपको आगे जाना है। यहाँ पर गाइस देखिए, किसी और का जैसे व्हाट्सएप का फ़ोटो आ गया, ठीक है, आपको यहाँ पर अपना लगा देना है। कैसे लगाओगे, आपको इसी फ़ोटो पर क्लिक करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद, यहाँ से गाइस आपको अपनी व्हाट्सएप का फ़ोटो लगा देना है। जैसे यहाँ से मैं ये वाला फ़ोटो लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लग चुका, आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसे नीचे वगैरह साइड वगैरह कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको सिर्फ जूम वगैरह कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना। फिर आपको एक वीडियो छोड़कर ये वाली अगले फ़ोटो पर आना है, यहाँ पर अगले वीडियो पर रिप्लेस पे क्लिक करके, यहाँ से गाइस आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको आगे चलना है, ये वाली वीडियो छोड़ने के बाद आपको लास्ट वाली वीडियो पर आना है, इस पर क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, आपको इसमें इफेक्ट्स लगाने हैं। इफेक्ट्स आप कौन से लगाओगे, जैसे आपको ये वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जो आपका मन करे वो लगा लेना। जैसे मैं लगा लेता हूँ, स्लाइड राइट वाला राइट कर देना है।
फिर अगले फ़ोटो पर क्लिक करना है यहाँ पर फेसबुक वाले, यहाँ पर भी मैं ये वाला लगा देता हूँ स्लाइड राइट वाला, आप दूसरा भी लगा सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लास्ट वाले फ़ोटो पर भी गाइस मैं स्लाइड राइट लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी गाइस मैं एक बार आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी आसानी से बन गई, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको इतना साइज़ रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।